हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज का बहुत ही शानदार सवाल आपकी एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 15 सीक्वेंस सीरीज का टॉपिक है और उस टॉपिक का ये एक नंबर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या कहता है कि n की कौन सी वैल्यू है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n दिस इज द अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन आप क्लास मेरे ख्याल से 8th से पढ़ रहे होंगे कि अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, तो सारे नंबर्स ऐड करते हैं और टोटल से डिवाइड करते हैं। और ये जो है ये अरिथमेटिक मीन है, किसका अरिथमेटिक मीन है, दो नंबर्स का। तो दोनों नंबर्स को आप ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो तो ये उसके बराबर आ जाए। फिर से आप समझ लें, ये दिया है कि फॉर व्हाट एन इफ दिस इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, दो नंबर्स ए और बी का अगर ये अरिथमेटिक मीन है तो एन की वैल्यू क्या होगी। तो ऑब्जेक्टिव होता तो एन की वैल्यू रख रख के देख लेते हैं, तो एन की वैल्यू रख रख के देख लेते हैं। तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव बता दूं, अगर ऑब्जेक्टिव होता ये क्वेश्चन ए बी सी डी चार ऑप्शन के साथ एन की वैल्यू, ऐसे मान लीजिए एक होती 1, एक होती 0, एक होती 1/2, एक होती -1, तो आप n की वैल्यू रख रख के देखते तो आपको n इज इक्वल टू 1 से इसका सही आंसर आ जाता। पर ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये डिस्क्रिप्टिव है। तो डिस्क्रिप्टिव है तो n की वैल्यू निकालने के लिए दिस शुड बी इक्वेटेड विथ अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, a और b के अरिथमेटिक मीन से इक्वेट करेंगे। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2a to the power n, 2b से भी होगा ना, 2b to the power n, इधर क्या हो जाएगा a प्लस बी, a टू द पावर n माइनस 1 प्लस b टू द पावर n माइनस 1। अब ये तो सिंप्लीफाइड है ही, 2a to the power n, 2b to the power n, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा आपका a इंटू a टू द पावर n माइनस 1 a इंटू बी टू द पावर n माइनस 1 बी इंटू ए टू द पावर n माइनस 1 प्लस बी इंटू बी टू द पावर n माइनस 1। अब क्या करना है, तो अब कुछ भी खास काम नहीं करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो जाएगा दोस्तों 2a टू द पावर n प्लस 2b टू द पावर n, ये पावर ऐड हो जाएगी तो ये हो जाएगा a टू द पावर 1 प्लस n माइनस 1 मींस n, पावर बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, a b टू द पावर n माइनस 1 b a टू द पावर n माइनस 1 और ये भी पावर ऐड हो जाएगी तो ये हो जाएगा b टू द पावर n। अब आप ध्यान से देखें, हम एक काम करते हैं कि ये जो a टू द पावर, ये वाली जो टर्म है जिसमें a टू द पावर n है, इसमें a टू द पावर n है, इसमें है, इनको लेफ्ट साइड में रख लेते हैं। तो जब इनको लेफ्ट साइड में रखेंगे तो हमारे पास देखिए क्या आने वाला है, लेफ्ट साइड में 2a टू द पावर n माइनस a टू द पावर n माइनस ये जो टर्म है b a टू द पावर n माइनस 1, और जो बची हुई टर्म से कौन कौन सी टर्म बच गई, a इंटू बी टू द पावर n माइनस 1 प्लस b टू द पावर n माइनस 2b टू द पावर n जो हमारे पास बच गई, ये 2b टू द पावर n को मैंने राइट साइड में भेज दिया। अब आप ध्यान से देखें इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है, तो इसमें पहले इसको सिंप्लीफाई करें, a टू द पावर n माइनस b इंटू a टू द पावर n अपॉन a टू द पावर 1, ये लिख दिया हमने इसको, इसमें लॉ ऑफ इंडाइसेस लगा दिया, इसमें भी लगा दें लॉ ऑफ इंडाइसेस, ए बी टू द पावर n अपॉन b टू द पावर 1 माइनस b टू द पावर n। अब हम ध्यान से देखें इम्प्लाइज इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, आप कॉमन ले लें तो इसमें से आपके पास कॉमन आ रहा है a टू द पावर n, अब और ब्रैकेट में क्या आएगा 1 माइनस b बाय a, तो 1 माइनस b बाय a लिख दिया, 1 माइनस बी बाय, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से b टू द पावर n कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में क्या बचेगा आपके पास,
ब्रैकेट में बचेगा वन ए बाय बी माइनस वन, ए बाय बी माइनस वन। तो ये था दोस्तों यहाँ तक का सिंप्लीफिकेशन। अब हमें एलसीएम लेने की आवश्यकता होगी, तो एलसीएम ले लेता हूँ मैं ब्रैकेट का, और हमारा काम हो गया। और देखा आपने, बड़ा काफ़ी आसान सा सवाल है, और थोड़ा सा दिमाग लगा दें आप, इतने में ही काम हमारा बहुत हो जाएगा। तो यहीं लिख देता हूँ मैं, इम्प्लाइज a टू द पावर n, एलसीएम ले लिया a माइनस बी अपॉन a, और ये हो जाएगा b टू द पावर n a माइनस बी अपॉन b। ये a माइनस बी क्या हो जाएंगे आपके, कैंसिल हो जाएंगे। आप इसको लिख पाएंगे आप a टू द पावर n, और उसको यहाँ भेज दें डिनोमिनेटर में b टू द पावर n, a को न्यूमरेटर में भेज दें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये आ गया आपके पास a बाय बी होल टू द पावर n इज इक्वल टू a बाय बी होल टू द पावर 1। देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं आप, a बाय बी होल टू द पावर 1। तो दिस इम्प्लाइज पावर्स कैन बी इक्वेटेड इफ बेसिस आर सेम, दोनों बेस सेम है तो पावर्स को इक्वेट करेंगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, n इज इक्वल टू 1। तो आपका आंसर हो गया दोस्तों, इसका आंसर हो गया आपका n इज इक्वल टू 1। तो आपने देखा हमने कितने आसान तरीके से इसको कर लिया। आप एक बार सेल्फ प्रैक्टिस करें, चैनल को अब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, दोस्तों तक सारी बातें पहुंचा दें, अपने दोस्तों को भी ये टेक्निक सिखाएं। मेरी बेस्ट विशेस हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड लक।